तो बच्चों हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोग पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पे बात किए थे, मैटर और कुछ बेसिक यूनिट्स पे बात हुई थी जिसमें हम लोग टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब चीज़ों पर बात हुई थी हमारी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन पर, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे कि एक छोटा सा टर्म है ये। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ, जो कोई वैल्यूज़ हम लिखते हैं, है ना, जो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, कोई वैल्यू लिखते हैं, तो जनरली वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे सपोज़ अगर कोई चीज़ का वैल्यू मुझे आ रहा है 0.62 सपोज़, ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो तरीका क्या होता है, जो एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो का नंबर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो जीरो नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो ये जैसे नॉन जीरो नंबर 6 है, तो हम उस एक नॉन जीरो नंबर को लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल डालेंगे, डेसिमल डाल दिए, उसके बाद फिर जो डिजिट है वो 2 लिख दिए, तो 6.2, यानी इसके जगह पे मैं अगर 6.2 लिखता हूँ तो बाकी ये और ये वैल्यू तो सेम है नहीं, तो मुझे अब बाकी को 10 के पावर के फॉर्म में लिखना होगा। तो इंटू 10, अब इधर डेसिमल एक्चुअली यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ पे किया, यानी कि दो डेसिमल राइट टर्न राइट की तरफ शिफ्ट किया है मैंने, है ना। तो जब राइट की तरफ शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो 10 का पावर -2 ऐसे लिखेंगे। ये बात क्लियर है, है ना। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.06.2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बाई 100 कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना डेसिमल। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए 6.2, और ये 10 का पावर 2 है, ऊपर गया तो पावर माइनस हो जाता है, आपने पढ़ा है, तो ऐसे लिख दिए, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी कोई वैल्यू हम लोग इस टर्म में लिखते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू कुछ इस तरह से है 1249.267, अब इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो कैसे करेंगे, तो मुझे डेसिमल को यहाँ रखना है, यानी एक नॉन जीरो के बाद हमें डेसिमल डालना है। एक नॉन जीरो डिजिट ये हो गया 1, और उसके बाद डेसिमल देंगे और फिर जो डिजिट्स है वो लिख देंगे, तो 2489267, ठीक है। अब मुझे 10 के पावर के फॉर्म में लिखना होगा, डेसिमल यहाँ पे था, मैंने यहाँ डाल दिया है, इसका मतलब एक डिजिट पीछे आए, 2 आए 3 आए 4 आए, यानी 4 डिजिट लेफ्ट तरफ डेसिमल को शिफ्ट किया है हमने, ठीक है। तो इसलिए मुझे 10 का पावर कितना लिखना होगा, पावर 4 लिख देंगे। अगर इसको हम 10 के पावर 4 से इंटू करें, यानी कि 10,000 से इंटू करेंगे, तो 4 डिजिट राइट तरफ चला जाएगा, यानी 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, वही डिजिट था हमारा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, है ना। जो वैल्यूज़ आते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना चाहिए, ये एक तरीका होता है लिखने का न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बात करेंगे जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, साइंटिफिक फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने के लिए हम लोगों को एक्चुअली क्या समझना है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं उसमें मीनिंगफुल डिजिट्स कितने हैं, विथ एक्यूरेसी कितने डिजिट्स मीनिंगफुल हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिख भी लेंगे, ठीक है, एक कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे जो एनसीईआरटी में भी है दिया हुआ, तो उसको जरा सा समझ लें पहले। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ, ये जो है वो मीनिंगफुल डिजिट्स
digits which are known with certainty, है ना? Significant figures का क्या मतलब होता है? किसी भी numerical value में जो meaningful digits हैं, जो कि हम certainty के साथ जानते हैं, certainty मतलब accuracy, सही सही जो जानते हैं, वैसे meaningful digits को हम लोग कहते हैं significant figures. और एक्चुअली यहाँ पे कुछ रूल्स दिया गया है कि हम कैसे समझेंगे कि किसी भी अंक में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, किसी भी अंक में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके लिए हमें कुछ रूल्स समझना होगा. वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे नंबर वन, इसमें हम लोग क्या एक लिखेंगे समझेंगे. देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, इसको जरा लिख भी लेंगे, समझ भी लेंगे ऑल, ताकि याद भी रहे आपको. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट. ये एक रूल हुआ, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखा हुआ है उसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट का मतलब ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं है, डिजिट मतलब संख्या, ऐसा संख्या जो जीरो नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट. एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, जैसे सपोज 285 सेंटीमीटर, मान लेते किसी का लेंथ दिया हुआ है 285 सेंटीमीटर, या फिर कोई वॉल्यूम हमने नापा और वहाँ पे है 0.25 ml. ठीक है, 0.25 ml. तो इस केस में नॉन जीरो डिजिट तीन है, ये भी नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो. ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कितना है, एक और एक, दो, ये तो जीरो है. तो जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स. यहाँ पे दो, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग किसको कहेंगे. तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कहते हैं. ये एग्जांपल भी क्लियर है, 285 सेंटीमीटर में थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा. इसमें दो ही क्यों होगा, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट से, इसलिए. ठीक है, इसके बाद और एक दो पॉइंट्स हैं, उसको जरा समझ ले. तो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट है. फिर सेकेंड पॉइंट, जीरो जीरोज, सेकेंड पॉइंट लिखिए, जीरोज प्रिसीडिंग, जीरोज प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, are not significant. मतलब क्या हुआ, कोई नॉन जीरो डिजिट जैसे है, ठीक है, उससे पहले जो जीरो आ रहा है, जीरो प्रिसीडिंग मतलब जो पहले आ रहा है, तो नॉन जीरो डिजिट से जो पहले आता है जीरो, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. यानी कि नॉन जीरो डिजिट से जो पहला नॉन जीरो, ये फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, उस पहले नॉन जीरो डिजिट से जो जीरो पहले आ रहे हैं वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है, वो सब
को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए यहाँ पे 0.03 मान लेते किसी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो कौन है, ये है पहला नॉन जीरो डिजिट, बाकी ये दोनों तो जीरो है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट ये हो गया, उससे पहले जो जीरोज आ रहे हैं उससे पहले दो जीरो आ रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, है ना, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है, तीन एक संख्या है और एक ही वैसे डिजिट है, इसलिए वन सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, वन सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह से करेंगे, है ना, समझ गए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0.0052, ये यहाँ पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो कौन है, 5, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, और उसके पहले जो भी जीरोज आ रहे हैं, तीन जीरोज आ रहे हैं, मगर वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन को हम काउंट नहीं करेंगे और सिर्फ ये दो जो है वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इस तरह से ये दो संख्या, ये दो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो जो पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जो भी जीरोज आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट, जो भी नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जो भी जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी कि हमें सिग्निफिकेंट जो फिगर काउंट करना है वो उन जीरोज़ को हटा करके काउंट कर रहा है, करना है हम लोगों को, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जीरोज़ बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स जो है, ठीक है, उसके बीच में जो जीरोज आता है वो सब सिग्निफिकेंट होता है। देखिए, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसके बीच में जो जीरोज आएगा वो सब सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे 2.005 है दिया हुआ, तो इस एग्जाम्पल में ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो नॉन जीरो डिजिट कौन है, 2 है, नॉन जीरो डिजिट और कौन है, 5 है। तो ये दोनों क्या हो गया, दो नॉन जीरो डिजिट हुआ। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज है वो ये दोनों हैं, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो को हमें काउंट करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हो गया, तो जो भी दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जो जीरोज आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, उसको भी काउंट करना है। तो इसलिए इस जो संख्या है इसमें 1, 2, 3, 4, तो 4 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना, क्लियर है ये बात। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आता है उसको काउंट नहीं करना है, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज होगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये चीज़ समझना होगा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग किसी संख्या के अंदर काउंट करते हैं। और एक पॉइंट हम लोग अगर समझ लें यहाँ पे, फोर्थ, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट।
the right side of the decimal point. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई भी जो नंबर है उसमें जो जीरोस है एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, है ना, कोई भी संख्या है उसके लास्ट में अगर जीरो है या फिर राइट साइड में है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नंबर है उसके राइट साइड में जीरो है या लास्ट में जीरो है, वो सिग्निफिकेंट होता है. लेकिन लेकिन दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि उस संख्या में जो डेसिमल है उस डेसिमल के दाहिने तरफ ही जीरो होना चाहिए, तभी हम किसी नॉन जीरो नंबर के दाईं तरफ या लास्ट में जो जीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, बशर्ते कि वो जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के दाहिनी ओर होना चाहिए. ये इस पॉइंट का मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए 0.200 ग्राम, सपोज करते हैं किसी चीज का मास इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ा था नॉन जीरो डिजिट नंबर के पहले वाला काउंट नहीं हुआ, तो ये तो काउंट नहीं हुआ. अब यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के दाहिने तरफ ये दो जीरो है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो जीरोस है या ये जो नंबर है ये डेसिमल के दाहिने तरफ आ रहा है ना, इसलिए हम लोग इस दो जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है. तो एंड में या राइट साइड में अगर किसी संख्या के एंड में या राइट साइड में जीरो आ रहा है और वो दशमलव के दाहिने तरफ है, ठीक है, तब हम उसमें उन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2, 3, तो इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. इस तरह से हम लोग कहते हैं, है ना. इसी तरह से अब यहाँ पे अगर हम देखें 100 मान लेते कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो इस केस में डेसिमल तो है नहीं, तो डेसिमल जब नहीं है तो ये तो डेसिमल के दाहिनी तरफ है नहीं, है ना. तो यहाँ पे जो संख्या के दाहिनी तरफ जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा. यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ था इसलिए संख्या के दाईं ओर वाला जीरो काउंट हुआ, मगर यहाँ पे दशमलव नहीं है या अगर दशमलव है भी तो यहाँ पर है, तो उसके दाहिने तरफ जीरो नहीं है, इसलिए हम ये दो जीरो को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. अब अगर सपोज करते हैं यहाँ पे कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये ध्यान देंगे यहाँ पे डेसिमल नहीं था और यहाँ पे डेसिमल है, है ना, यहाँ पर डेसिमल है. तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है. उसी तरह से और हम लोग देख सकते हैं, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है डेसिमल के बाद भी जीरो है, ठीक है, तो ये सारा काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर. इस तरह से हम लोगों को काउंट करना होता है, ठीक है. अब जैसे कि कोई ये ले लें, जैसे 100 × 10^2 लिखा हुआ है सपोज, तो इस केस में ये 100 में एक ही है सिग्निफिकेंट फिगर और ये काउंट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह से अगर हम ऐसे देखें 1 पॉइंट ऐसे लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है, तो ये और ये काउंट होगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. उसी तरह से अगर 1.00 दिया हुआ है ऐसे, है ना, और 10^2 लिखा हुआ है,
तो इस केस में ये 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 काउंट होगा, तो यहाँ पर आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी एक रूल है, इसको भी एक समझ लेंगे। तो किसी भी संख्या में अगर डेसिमल के दाहिने तरफ है जीरोस और या एंड में है, और संख्या के नॉन जीरो डिजिट नंबर जो है उसके एंड में या राइट में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, ठीक है। एक और रूल में हम लोग जरा सा बात कर लें कुछ, एक और यहाँ पर है। जैसे किसी चीज़ का वैल्यू नंबर है केवल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक और लिख लें लास्ट, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर काउंटिंग नंबर दिया हुआ है, गिनने वाला संख्या दिया हुआ है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे अनगिनत सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते लिखा हुआ है 2 बॉल, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है 20 eggs, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब जो है वो एग्जैक्ट नंबर बताता है ना। तो इन सब में हम लोगों को जब ये, यानी क्या हुआ, बॉल का संख्या बता रहा है, अंडों का संख्या बता रहा है, तो यानी कि ये काउंटिंग फिगर्स हो गए, काउंटिंग नंबर्स हो गए। तो इन सब में जो है वो इनफाइनाइट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोगों ने समझा, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स का अगर काउंटिंग नंबर दिया होता है तो वो एक्चुअली में इन उसमें जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, और 5 रूल्स मैंने बताए यहाँ पे कि किस किस कंडीशन में कैसे काउंट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लेंगे, ये एक बेसिक चीज़ है एक्चुअली, टिपिकली केमिस्ट्री के हिसाब से इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, बट फिर भी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो बच्चों हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे एक्चुअली वर्ड से भी क्लियर है, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉज, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कुछ नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये कुछ निश्चित लॉज को फॉलो करते हैं, कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो नियम हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के टाइम में फॉलो होता है, वैसे ही लॉज को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कुछ लॉज हैं, तो पहला लॉ हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैटर को ना हम बना सकते हैं ना उसे बर्बाद कर सकते हैं, है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर को ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि जितना मैटर है उतना हमेशा रहेगा, ये मतलब हुआ इसका, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करें तो हम कैसे कह पाएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है, तो उसके होने से पहले जो मैटर्स हैं जितने उतने ही रहेंगे, और जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो हो जाने के बाद जितना मैटर रहेगा वो भी उतना ही होगा जितना कि पहले था। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक अभिक्रिया के होने से पहले और होने के बाद जो मैटर का कुल अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी जितना मैटर रासायनिक अभिक्रिया के पहले है उतना ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद होगा, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले और केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन्स कांस्टेंट, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया मैंने और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस दोनों का रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो इस दोनों का जब हम रिएक्शन करवाए तो क्या बना, वाटर बना, ठीक है। तो इस केस में अब हम इसे अगर बैलेंस कर ले, बैलेंस करना आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है, ठीक है, संख्या को कैसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीका हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है मगर इसमें ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या जो होता है उसको अगर हम हाफ से इंटू कर दें यानी 1/2, तो 2 को अगर हम 1/2 से इंटू करते हैं तो 1 हो जाता है, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है, तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो सकता था कि हम ओवरऑल 2 से इंटू करके कर सकते थे, वो भी एक तरीका है, वैसे भी हम बैलेंस कर सकते हैं, बात बराबर ही होगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ 2, तो 2 जो है वो सबसे इंटू हुआ ना, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का 1, 1 इंटू 2 2, 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो ऐसे 2 से इंटू कर दिए, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो हम उस तरह से भी बैलेंस कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है। तो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे लिखा, एक केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने लिखा यहाँ पे, और इसको मैंने पहले बैलेंस किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, जो चीज़ आपस में रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो आपस में मिल रहा है उसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और उस अभिक्रिया में जो चीज़ बन रहा है, जैसे ये बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरह से होता है। तो रिएक्टेंट्स का अगर हम टोटल मास निकालें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ग्राम, अगर मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्ट देखा जाए तो 1 हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम होता है, ठीक है, मगर मैं उसको 1 मान रहा हूँ, एक राउंड फिगर में मान रहा हूँ, तो 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32, और उसको मैंने हाफ से इंटू किया हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा 16, या ऐसे भी समझ सकते थे 2 इंटू हाफ 1 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 16 ग्राम। ठीक है, तो अब इस तरफ अगर प्रोडक्ट साइड में आ जाए तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 तो हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें 18 ग्राम मिल रहा है, और जो रिएक्टेंट है इधर वो रिएक्टेंट क्या है 2 ग्राम है और 16 ग्राम है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ये देखें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम। ठीक है, और इसी तरह से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स अगर मैं बोलूं, प्रोडक्ट्स तो वो ऑलरेडी निकाला हुआ है वहाँ पे 18 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख पाते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है और प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास होगा वो हमेशा बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ उसमें कोई चीज़ बर्बाद नहीं हुआ, कोई चीज़ ना एक्स्ट्रा बना ना एक्स्ट्रा बर्बाद हुआ। पहले भी 18 ग्राम था टोटल और अभी भी 18 ग्राम है जब रासायनिक अभिक्रिया हो गया तब। ठीक है, तो इस तरह से यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, इस तरह से हम लोग जो भी एग्जांपल्स लेंगे वो कुछ एक जगह पे एक्सेप्शन से उस पर हम लोग वहाँ पे छोड़ करके बाकी सब जगह पे कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो अप्लाइड होता है, यानी वो सही है ना। कुछ एक जगहों पे छोड़ के अभी बात करेंगे उस पर हम लोग। एक और एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे, कोई एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे एक थोड़ा सा बड़ा सा रिएक्शन कोई ले लूँ मैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो क्या बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ग्लूकोज बनता है ना, C6H12O6 ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर याद होगा तो। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लें जरा, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में जनरली, तो वहाँ पे फूड बनता है, वो फूड है वो ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लें तो 6 कार्बन उधर भी 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 12 उधर भी 12 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 12 और 6 18, तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें ये बनता है और प्लस ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, होता है ना, ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, तो बैलेंस कर लेते हैं तो टोटल इधर 12 और 6 18 हो गया ऑक्सीजन्स, कैसे हुआ क्लियर है ना। यहाँ पे 2 और 6 से इंटू तो सबके लिए है, तो 6 इंटू 2 12 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 इंटू 6 6 हो गया, तो 12 और 6 18 हो गया। इधर देखें इसमें 6 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 18 होने के लिए 12 चाहिए, तो इसको अगर 6 से इंटू कर दें तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ भी टोटल 18 ऑक्सीजन हैं। कार्बन ऑलरेडी इसमें 6 है लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में, और उस तरफ भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन उधर 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है ना, संतुलन किया है उसका। अब हम लोग अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे देखना चाहें तो हमें पहले तो इसका मास निकालना होगा, इसका भी मास निकालना होगा, और फिर ऐड करेंगे तब आएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका अगर मास निकाल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन का एक होता है 12 है ना, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, और ये जो ऐड करेंगे और वैसे वैसे 6 मॉलिकल्स हैं तो उसको मुझे 6 से इंटू करना होगा, तो कितने हो जाएंगे 6 इंटू
ये 44 हो गया, तो 6 फोर जा 24, कैरी 2, 24 और 2, 26, तो इतना ग्राम हो गया टोटल। ठीक है, इस केस में आ जाए तो यहाँ पे 6 है ही, हाइड्रोजन का 2, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 6 इंटू 16 प्लस 2 18, इंटू कर लेते हैं 48 कैरी 4। ठीक है, तो इतना ग्राम हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ये भी कर ले जाना, प्रोडक्ट का भी निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, तो ये 12, एक कार्बन का 12 होता है, सब हम लोग राउंड फिगर में ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं ले रहे हैं। तो कार्बन का 12, 12 इंटू 6, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 12, तो 12 ही हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 है तो 6 से इंटू कर दिए, तो ये इसका आ गया वैल्यू, है ना, कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 12 और प्लस 96, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम इसका, ग्लूकोज का, इसे ग्लूकोज कहते हैं। इधर अगर देखें तो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, तो 6 से इंटू कर देंगे 32, तो इतना ग्राम 192, है ना। तो अब अगर हम लोग टोटल ये कर लें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, प्लस 108, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना होगा 372 ग्राम ऐड करने पे, ये जो है वो क्या आया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आया। ठीक है, उसी तरह से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में टोटल मास कितना है, ये है 180 और प्लस वहाँ पर है 192। ठीक है, तो 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 8 17, 7 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास 372 ग्राम है, प्रोडक्ट्स का टोटल मास 372 ग्राम ही है, है ना। तो कोई भी रिएक्शन का अगर हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं, तो पहला ध्यान ये रखना है कि जो भी हम रिएक्शन लिखते हैं उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। पहले आप बैलेंस करेंगे और फिर देखेंगे तो रिएक्टेंट्स के साइड में जितना मास आ रहा है टोटल और प्रोडक्ट के साइड में जितना मास आ रहा है टोटल वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ और वहाँ पे तभी बोल रहा था इस टॉपिक के डिस्कशन में कि कुछ जगहों पे ये फॉलो नहीं होता है, उन जगहों को छोड़ करके बाकी सब जगह पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, है ना। तो कौन से वैसे फील्ड हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं जरा सा। तो देखिए, जैसे जो भी रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होता है वहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे रेडियो एक्टिव डिके में जैसे आप लोग पढ़ते होंगे रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति एक होता है, तो उन सब जगहों पे जहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके में ऐसा भी होता है कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका न्यूक्लियस अपने आप टूटता है और उसके टूटने से अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज ये सब बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वैसे जो रिएक्शंस होते हैं या टूटने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो वैसे जगहों पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो दिस लॉ इज नॉट फॉलोड इन
रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस। वैसे जगहों पे ये प्रोसेस नहीं सही होता है। एक और न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप लोगों ने अगर टेंथ वाला याद होगा शायद, न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है ना, इससे हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, फ्यूजन में हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम बनाता है, न्यूक्लियर फीजन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम है ना, प्लूटोनियम, ये सब टूटता है और टूटने के बाद न्यूट्रॉन्स उससे निकलता है और साथ में बहुत सारा एनर्जी भी बाहर निकलता है। तो वहाँ पे इन रिएक्शंस में जो बहुत सारे एनर्जी बाहर निकलते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो कैसे निकलता है, तो वहाँ पे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी कि जो मास उसका टूटता है या घटता है वहाँ पर वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं जानना है कि वो क्या होता है, वो आप लोगों ने थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़ा है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस जो होते हैं, इन सब जगहों पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेड वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा और जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा इन केसेस में सेम नहीं आएगा, है ना, इसका ये मतलब हुआ। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ओबेड या इज नॉट फॉलोड इन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस एंड इन न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेसेस या न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉ है यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, दिस लॉ स्टेट्स दैट a compound consists of same element same elements in fixed in fixed proportion by their weights। ये लॉ है कि a compound consist of same elements in fixed proportion by their weight, मतलब कोई भी एक कंपाउंड जो होगा वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही बना होगा और उनके बीच में जो वेट का प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स्ड होगा, है ना, हमेशा फिक्स्ड होगा। किस क्या फिक्स्ड होगा, तो जो एलिमेंट्स हैं उसका जो वेट है उसका रेशियो हमेशा या उसका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड होगा, ये इस लाइन का मतलब हुआ, है ना। एक कोई कंपाउंड और कंपाउंड हमेशा एक कंपाउंड जो है सेम ही तरह के एलिमेंट से बना होगा और उसमें एलिमेंट्स के बीच में जो वेट का रेशियो है या प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक है, इस लॉ का ये मतलब होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लें, मान लेते कोई कंपाउंड, मैंने कहा यहाँ पे अ कंपाउंड, जैसे कंपाउंड मतलब यौगिक, अभी हम लोग वाटर देख रहे थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपाउंड मैंने लिख दिया H2O, उसका फॉर्मूला H2O है वाटर का, तो ये एक यौगिक है।
तो हम लोग कहीं भी या किसी भी वाटर को अगर देखेंगे, कहीं और किसी भी का मतलब हुआ क्षेत्र के हिसाब से, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे अमेरिका का हो, गंगोत्री का हो, कहीं का भी पानी हो, वो हमेशा H2O होगा, एक बात। और किसी भी सोर्स से मिल रहा है, चाहे जैसे भी आपको वाटर मिल रहा है, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा। यानी कि एलिमेंट्स के हिसाब से देखें तो उसमें हमेशा दो ही एलिमेंट्स होगा, एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा ऑक्सीजन। तो एक तो ये हो गया कि सेम एलिमेंट्स, वाटर कहीं भी होगा तो यही दो एलिमेंट से बना होगा, ये बात हुई, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी बात क्या हुई कि वेट का जो रेशियो होगा वो भी हमेशा फिक्स्ड होगा। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, अगर हम लोग देखें मास ऑफ हाइड्रोजन तो वो कितना है, 2। मास ऑफ ऑक्सीजन अगर देखें तो वो कितना है, 16। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों का रेशियो निकालें, हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालें, तो 2/16 यानी कि 1/8 यानी कि 1:8 होगा, है ना। तो ये जो 1:8 है रेशियो, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। यानी कि किसी भी तरह से हमें वाटर मिला है, चाहे वो बारिश का पानी हो, नाला का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मास का रेशियो आएगा वो हमेशा 1:8 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर वेट, वेट का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम का नहीं। तो इसलिए ये रेशियो बाय वेट है, तो वो जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। यानी किसी भी सोर्स से कहीं से भी वाटर मिले, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। और कोई भी वाटर हो उसमें दो ही एलिमेंट्स होगा हमेशा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉ यहाँ पे क्लियर होता है इस एग्जांपल से। और ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से ही बने होते हैं और उसमें जो वेट का प्रोपोर्शन होता है वो भी फिक्स्ड होता है, या हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट होता है या डेफिनेट होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, डेफिनेट हो सकता है, फिक्स्ड बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लॉ का नाम भी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने आज दो लॉज देखा है, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग, यहाँ तक तो ये एग्जांपल क्लियर है, एक और एग्जांपल चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये, तो ये लॉ को अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो कैसे बताएंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड हमेशा दो ही निश्चित एलिमेंट से बना होगा, एक है कार्बन C और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो एक ये बात हो गई। और इसका मास अगर देखें तो कार्बन का यहाँ पे कितना मास है, 12 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, O2 लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन का 16, तो O2 का कितना हो गया, 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन इसका रेशियो निकालना चाहूँ इस CO2 कंपाउंड में, तो क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में ला सकते हैं, तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, तो ये रेशियो क्या आएगा, 3:8। तो ये लॉ क्या कहता है कि कोई कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो वो हमेशा दो ही निश्चित एलिमेंट से बना हुआ होगा, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। और उस कंपाउंड में उस दो एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा या कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि और वो क्या होगा, 3:8, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड के बारे में ले सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड के लिए ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सही है, यानी किसी भी कंपाउंड में हम ये लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड हमेशा निश्चित एलिमेंट से ही बना होगा और उस एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा उस कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स्ड होगा या कॉन्स्टेंट होगा या डेफिनेट होगा, ठीक है बच्चों। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
अगले क्लासेस में हम लोग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसको और फर्दर आगे लेके जाएंगे. थैंक यू.